कुर्सी पर बैठा ये कोई आम शहरी नहीं और ना ही ये आज़ाद है। ये मिन्हाज काजी है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मरकज 90 का सिक्योरिटी इंचार्ज, जो अब कानून की गिरफ्त में है। इसे कानून नाफिज करने वाले इदारों ने 3 फरवरी को कराची के इलाके गार्डन से गिरफ्तार किया था। वीडियो बयान में मिन्हाज काजी ने 17 अक्टूबर 1998 को कराची में हमदर्द पाकिस्तान के बानी हकीम सईद के कत्ल में मुलव्वस मुलजमान को बेनकाब कर दिया है। उस वक्त चेयरमैन होता था एपीएम का, उसने कुछ वो मावनत की थी और शाकिर लंगड़ा और ये इमरान पाशा वगैरह ये लोग गिरफ्तार हुए थे, नदीम मोटा गिरफ्तार हुआ था। मिन्हाज काजी ने वीडियो बयान में ये भी बताया कि हकीम सईद के कत्ल के वक्त वो एमक्यूएम के रबते में नहीं था। 11 मार्च 2015 को 90 से गिरफ्तार शाकिर लंगड़ा, इमरान पाशा, नदीम मोटा और लियाकताबाद के इलाकाई अहदेदार आमिर हकीम सईद कत्ल केस में भी मुलव्वस हैं। मिन्हाज काजी ने जॉइंट इंटरोगेशन टीम के सामने महमूद सिद्दीकी और साबिक रुकन सिंध असेंबली सफदर बाकरी के रॉ से ताल्लुकात की तस्दीक भी की है। ज़िल्ले हैदर, 24 न्यूज़, कराची।